जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने घर पर हैं, ये हमारी दुकान भी है। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और ये हमारी साहीवाल गाय, आज दो तीन दिन बाद अच्छी खासी धूप निकली है, तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये धूप सेंक रही है। और इस साइड में ये हमारी साहीवाल गाय की जो बछड़ी है, ये अभी आराम कर रही है। तो अभी इनको इस बछड़ी को उस वाले खूंटे पर बांधते हैं और जो गाय है इसे इस वाले खूंटे पर बांधते हैं और फिर चलते हैं खेत की तरफ। एक्चुअली में दो दिन की मेहनत के बाद तब जाकर हमारी जो बाड़ थी वो लग पाई है, जो खेत के चारों तरफ नील गाय और छुट्टा जानवर से बचाने के लिए हमने लगा रहते हैं, तो वो दो दिन के बहुत मेहनत के बाद लग पाई है। तो उसे थोड़ा और सही करना है, अभी उसमें कुछ कमी है। और खेत में जो हमारी गोभी है उसकी थोड़ी निराई करनी है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे ये कौन से नस्ल की बछिया है, तो ये शुद्ध साहीवाल नस्ल की है। और आप देख सकते हैं इसका कलर और जो इसकी मम्मी का कलर है दोनों का सेम है। और इसकी जो ये बछड़ी है ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध लग रही है साहीवाल में, आप देख सकते हैं। थोड़ी नटखट भी है, इसे सिर्फ दुलार चाहिए। और इनके बैठने की जगह पर अभी तो पुआल कम है, शाम को और ज़्यादा पुआल इसमें रखा जाता है। तो अभी दोनों को बांध दिया है और दोनों अपना खाना खा रहे हैं और अब चलते हैं खेत की तरफ। और साथ में आज हमारी छोटी सिस्टर अंकिता भी चल रही है। तो अभी खेत पर आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये कांटे लिए तार की बाड़ लगी है, दो लाइन लगी है, एक ये वाली और एक ये वाली। और अभी ऊपर गैप है और नीचे भी गैप है, तो उसके लिए ये जो पतले तार महीन होते हैं ये वाले लगाएंगे। और वहाँ पर हमारे सिस्टर कुछ साग बनाने के लिए मूली और चने उखाड़ रही हैं। और ये है जो बाड़ है, अभी दो लाइन लगी है, अभी और एक ऊपर से लगानी है और एक नीचे भी लगानी है, तो फिर नीलगाय और जो छुट्टा जानवर हैं वो नहीं आ पाएंगे। अभी तीसरी लाइन लगा रहे थे, दो लाइन तो कटीले तारों की है और ये तीसरा वाला जो भी है हमने आपको दिखाया था पतला वाला तार वो है, तो यहाँ तक आया है, थोड़ा सा इस साइड में कम पड़ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट का होगा जो कम है, तो उसे जोड़ेंगे कोई और तार से। और हो सकता है तो इसके ऊपर अभी दो और लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो इतना ऊंचा है इससे तो लाग जाएंगे, नीलगाय कूद कर पार हो जाएंगे। और ये हमारा धनिया का खेत है, अभी के लिए फ़िलहाल काम चलाऊ हो गया है। और आशा करते हैं कि जो नीलगाय हैं और जो छुट्टा जानवर हैं वो अब हमारे खेत को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएंगे। और उधर उस साइड में कुछ लोग जो हमारी हरी मटर थी जिसे नीलगाय ने खा लिया था वो अपन निराई कर रहे हैं। ये इस साइड में हमारी जो गाजर लगी है वो है, अभी छोटा छोटा है। और हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था जो हमने प्याज लगाई थी, हरी प्याज जो छोटी छोटी थी, वो देखिए अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। और ये कुछ दिन में खाने के लिए पूरा पर्याप्त होगा। और ये मेड़ी पर लगाई गई है किनारे किनारे। All I
ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसे चल के घर और इसे चूसते हैं, और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की। दोस्तों हलो यो पका हलो।